मध्य प्रदेश की आर्थिक नगरी इंदौर की नगर निगम द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार किए गए गोपाल मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शनिवार को व्यापारियों को दुकानों का कब्जा दिया गया। इस मौके पर सांसद, कलेक्टर, निगमायुक्त सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। गोपाल मंदिर और राजबाड़ा क्षेत्र में व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा किया गया 4 साल का संघर्ष आखिरकार खत्म हुआ। राजबाड़ा के रिनोवेशन के दौरान हटाए गए व्यापारियों को शनिवार को नगर निगम द्वारा तैयार किए गए गोपाल मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों का कब्जा किया गया। इस मौके पर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह, निगमायुक्त प्रतिभा पाल, स्मार्ट सिटी के सीईओ ऋषभ गुप्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। 4 साल से आर्थिक मार झेल रहे व्यापारियों ने दुकानों का कब्जा मिलने पर खुशी जाहिर की, लेकिन इसके साथ ही नहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में व्यापार के सक्सेस होने को लेकर आशंका भी व्यक्त की। बहुत खुशी है सभी व्यापारियों में, आज हमें पोजीशन दिए जा रहे हैं। सभी ने बहुत 4 साल बहुत मेहनत करी और सभी पदाधिकारियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, आज रंग लाई है हमारी मेहनत। 4 साल के बाद आज सभी व्यापारियों में खुशी की लहर है, सभी को दुकानों का पोजीशन मिल रहा है, सभी जल्दी ही दुकानें चालू करेंगे और व्यापार से लगेंगे। संघर्ष तो बहुत करा, कई व्यापारियों की परिस्थिति बहुत ख़राब हो गई है, 4 साल से बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कुछ व्यापारी मतलब एक्सपायर भी हो गए, टेंशन डिप्रेशन में, कुछ व्यापारी बीमार पड़े हुए हैं अभी तक, कुछ व्यापारियों के घरों में मतलब समझ लो खाने तक को नहीं था, तो सभी व्यापारियों ने आपस में मिलकर उनकी मदद भी की है। परिस्थिति तो इतनी ख़राब हो गई थी व्यापारियों की कि हम बयान ही नहीं कर सकते। अब क्या लगता है? अब लग रहा है कि आज हमें जिस हिसाब से पोजीशन देंगे, पोजीशन के बाद हमारा मार्केट सक्सेस होना चाहिए, चलना चाहिए, तभी हम रोजगार से लग सकेंगे। अभी सभी के पास तो पैसों की व्यवस्था भी नहीं है, व्यवस्था करेंगे, माल भर के व्यापार करेंगे, व्यापार करके फिर अपने रोजगार से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। अभी तो स्थिति सभी की ख़राब है। नहीं, हम तो बहुत, सभी व्यापारी बहुत खुश हैं, खुशी जाहिर भी करी अभी हमने, आभार, सभी व्यापारी खुश हैं कि सबको पोजीशन मिल रहा है, लेकिन बहुत संघर्ष हो गया। 4 साल का संघर्ष, 18 महीने में देने का वादा था, आज 4 साल के बाद 12 तारीख को ही हमें हटाया गया था, आज 12 तारीख की है। आपका पूरा नाम? दीपक खत्री, गोपाल मंदिर व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के अनुसार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 45 व्यापारियों को दुकानें दी गई है, शेष बची दुकानों को टेंडर के माध्यम से आवंटित किया गया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है, इसलिए कॉम्प्लेक्स के रखरखाव का जिम्मा भी स्मार्ट सिटी का रहेगा। आज का जो ये कार्यक्रम है, गोपाल मंदिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आज कब्जा सौंपा गया है दुकानदारों को। जब 4 साल पहले इसका निर्माण शुरू हुआ था, उस समय बहुत सारे इंक्रोचमेंट और कुछ दुकानदारों को हटाया गया था और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटा ली थी कि हम लोग उनको पुनर्व्यवस्थापित करेंगे। पुनर्व्यवस्थापित करने की दिशा में ये दुकानें आवंटित की गई हैं। इसमें तकरीबन 40 से 45 दुकानदार हैं और इसके अतिरिक्त फिर जो बची हुई दुकानें थी वो हम लोगों ने टेंडर से आवंटित की हैं, उन लोगों को भी हम लोग पोजीशन सौंप रहे हैं। जो गोपाल मंदिर के और राजवाड़ा के सामने जो लोग लगाते थे अपने इस तरीके के इंक्रोचमेंट स्वरूप में थे, अब वो प्रॉपर दुकानें ये आ गई हैं, तो सभी लोग अपना व्यापार भली प्रकार से कर पाएंगे। तो इस तरीके से स्मार्ट सिटी ने रिलोकेशन का काम करते हुए दुकानें बनाई हैं। लोक अदालत की व्यवस्था आज रखी गई है मैडम, किस तरीके की और कितने यहाँ पे इनकम की उम्मीद रखा है? लोक अदालत में चूंकि मार्च का महीना है और हम लोगों का जो रेवेन्यू है उसका आखिरी समय चल रहा है इस फाइनेंशियल ईयर की वसूली का, अच्छी चीज़ ये है कि अब तक हम लोगों ने अभी किसी भी साल की सबसे ज़्यादा वसूली इस साल में की है और ये वसूली आज और बढ़ने की उम्मीद है। हम लोगों ने आज अपना टारगेट 30 करोड़ तक का रखा है कि 30 करोड़ तक की वसूली हमारी आएगी। सभी ARO, सभी बिल कलेक्टर्स और रेवेन्यू की पूरी टीम लगातार बड़े बकायेदारों से फ़ोन पर भी संपर्क कर रही है, डोर टू डोर संपर्क भी कर रही है और शाम तक आते आते ये सभी सेवाएं हमारे मुख्यालय में और सभी जोनल ऑफिसेज में रहेंगी। जो करदाता है उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग अगर ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो ई नगर पालिका के माध्यम से ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्यवस्थाएं बैठाई गई हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इंदौर के जो जागरूक लोग हैं वो आज अपना टैक्स पे करें। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आधुनिक तरीके से बनाया गया है जिसमें एस्केलेटर और एलिवेटेड को भी तैयार किया गया है। फिलहाल दुकानें मिलने से दुकानदार और उनके परिजनों के चेहरों पर साफ तौर पर खुशी झलक रही थी। इंदौर से जतिन ठाकुर की रिपोर्ट।